1947 में जब जंग हुई थी तो पाकिस्तानियों ने कबायली अटैक किया था, तो उन्होंने मुसलमानी पाकिस्तानी आर्मी ने चुन चुन के मुसलमानों को मारा था। उन्होंने आपको मुसलमान समझ के छोड़ नहीं दिया था, उन्होंने आपको हिंदुस्तानी समझ के मारा था। और उसी इंडियन आर्मी में जिस आर्मी ने जिस पे आप पत्थरबाजी करते हैं, उसी इंडियन आर्मी ने अपनी जान पे खेल के आपको बचाया था। गहरी बात बोल रही हूँ कि मोदी जी अगर 56 भोग भी सजा के देंगे तो ये डर होगा कहीं इसमें जहर ना मिला हो। ये जो टिपिकल राजनीति करते हैं ओवैसी साहब एंड आजम खान एंड सो कॉल्ड धर्म गुरुज, ये लोग माइनॉरिटीज के नाम पे दुनिया से जगह जगह से जकात के नाम पे पैसा लेके आते हैं और सारी अपनी तिजोरियां भरते हैं, उनके अपने बड़े बड़े महल हैं और आप सड़कों पे हैं। आप लोगों के लिए जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान आप लोगों के लिए काम कर रहा है, आप उसको शक की नजर से देख रहे हैं। ट्रिपल तलाक पे जब कानून बन रहा था तो बोल रहे थे आर्टिकल 14 अप्लाई होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ संविधान की वो एकदम दुहाई देने लगते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों कानून बन रहा है। तो जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मान जाइए, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म सब खत्म हो जाएगा। वहां नहीं मानते हैं तो आप दोगलापन देखिए। भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया, मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। बात करेंगे प्रधानमंत्री के लाल किले से जो अभिभाषण उन्होंने दिया और जनता से उन्होंने अनुरोध किया कि जनसंख्या नियंत्रण भी एक तरीके की देशभक्ति है, मगर ये भाषण कई लोगों को अच्छा नहीं लगा और कई लोग इसको कहने लगे कि ये एक समाज को प्रधानमंत्री ने टारगेट करके बोला है। कुछ लोगों को डर भी लगने लग गया है। अब इस समय हमारे साथ सुबोही खान जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये वकील भी हैं। जानेंगे इनसे क्या सोचते हैं और इनके क्या विचार है इसको लेकर, जनसंख्या नियंत्रण हो तो किस लेवल पर होनी चाहिए। जी मैम, जो अभी बयानबाजी चल रही है और कुछ लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देशभक्ति है अगर आप करते हैं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट आप देखिए, यहाँ बात होते 2 करोड़ नौकरियों को 5 करोड़ पैदा हो जाते हैं जब तक 2 करोड़ को दिया जाता है, तो मगर इस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया जाता है और कहते हैं कि एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं पे तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो जनता है जो सब सुन रही है ये बयानबाजी, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। जो अपने प्रतिनिधि चुन के लाते हैं, जो किंग मेकर्स हैं, जो अपने लीडर्स बनाते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ओवैसी साहब भी जो इस लॉबी के और इस मानसिकता के जो लोग हैं, जैसे कि जो कट्टरवादी या जो सो कॉल्ड सेक्युलर वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोग इस मानसिकता के जो लोग हैं, ओवैसी साहब भी उसी मानसिकता के, बस एक बेटर पैकेज में थे, क्योंकि लॉयर वो थोड़ा मुलम्मा चढ़ा के बातों को बोल दिया करते थे। लेकिन अब वो ये स्टेटमेंट बोलने से कि वो मोदी जी ने अगर एक जनसंख्या के लिए कानून बनाने की बात करी है, वो इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो वो सीधा सीधा एक्सपोज हो रहे हैं कि उनको हर चीज़ में वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। NIA पे कोई कानून बनना है तो मुसलमान खतरे में आ रहा है, महिलाओं के फेवर में कोई कानून बन रहा है तो मुसलमान खतरे में आ रहा है, जनसंख्या के ऊपर कोई कानून बन रहा है तो मुसलमान खतरे में आ रहा है। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि फियर मॉन्गरिंग उनको मुसलमानों की करनी है, सिर्फ डरा के उनका वोट लेके अपनी राजनीति चलानी है। दूसरी बात मैं बात करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो अल्फाज इस्तेमाल करे, जो वर्ड्स उन्होंने बोले कि देश सेवा है, जो कम बच्चे पैदा करता है वो देश सेवा है, उस बात में कितनी सच्चाई, उसको समझने की कोशिश करिए। इस बात पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है कि जनसंख्या ज्यादा होने से देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फिलहाल मैं आपको मोटे मोटे तौर पर 4 प्रॉब्लम्स गिनवा देती हूँ। सबसे पहले बेरोजगारी की प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट आती है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, नदियां हैं, जमीन है, जंगल हैं, वो भी लिमिटेड हैं, कहाँ तक खपा पाएंगे, अगले कुछ सालों में तो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैं बताना चाहती हूँ, अपराध। जब जनसंख्या बढ़ेगी उनको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी, हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो चोर डकैत बदमाश ही बनेंगे, क्या बनेंगे। तो देश का एक अपराध भी उसमें काउंटर हो जाता है, कव अपराध की प्रॉब्लम भी जनसंख्या की प्रॉब्लम से सॉल्व हो रही है। तो जनसंख्या की प्रॉब्लम एक रूट है। मोदी जी को जो मैं इतने सालों में जो देख रही हूँ, जो वो काम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम की जड़ पे वार करते हैं, वो ऊपर से सतही तौर पे काम नहीं करते हैं कि मुझे बस अपना राजनीति देखनी है, मुझे वोट देखने हैं, लोगों को इमोशनल चार्ज अप करके वोट ले लूँ, सत्ता में आ जाऊँ। वो उसके बहुत आगे की सोचते हैं कि मैं रहूँ ना रहूँ मेरा देश रहना चाहिए, ये उनकी मानसिकता है।
तो जनसंख्या की प्रॉब्लम कवर करने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी। और मैं एक और स्पेशली मुस्लिम्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों जो लोग आपको वरगला रहे हैं उनकी तो गलती है ही, मैं बोलती हूँ आप लोगों की भी गलती है कि आप लोग क्या मतलब साइकोलॉजिकल गुलाम हैं, क्या मानसिक गुलाम है, क्या आपकी अपनी रैशनैलिटी नहीं है, या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। पिछले 70 सालों में इन सरकारों ने आपके लिए किया क्या है आज तक? आप लोगों को सिर्फ मोदी 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 बीजेपी बीजेपी करके इतना डरा दिया जा रहा है कि आपके फेवर में भी जो काम किया जा रहा है आपको वो भी आपके खिलाफ लग रहा है। ऐसी मानसिकता बना दी जा रही है, फियर मॉन्गरिंग हो रही है, इंसाइट करा जा रहा है फियर कि मोदी जी अगर, मैं एक मजाक की सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात बोल रही हूँ, कि मोदी जी अगर 56 भोग भी सजा के देंगे तो ये डर होगा कहीं इसमें जहर ना मिलाओ, ये डर का माहौल क्रिएट कर दिया जा रहा है। तो देखिए वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो अपने दिमाग से वो वहम निकालिए। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, कौन भाषणबाजी पे मत जाइए, भाषण कोई भी कुछ भी दे सकता है, इमोशनल चार्जअप कोई भी कर सकता है, आप काम देखिए कि इतने कम सालों में मुस्लिम्स के लिए भी, अगर आप मुसलमानों की भी बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कितने काम किए हैं, एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए सिर्फ कमेटियाँ बैठा दी, कभी आपके लिए कुछ किया नहीं, वो लोग आपके एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात करते हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मुस्लिम बच्चों को आगे लाने की बात करते हैं, मुस्लिम कौम को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं। तो प्लीज़ सोचिए समझिए और हर चीज़ को हिंदू मुसलमान नहीं करना शुरू कर दीजिए, एंटी मोदी करने के चक्कर में एंटी नेशनल मत हो जाइए, बस ये मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। मैम आपने ये जो बात बोली कुरान लैपटॉप और जनसंख्या, ये जब बातें उठती हैं तो जो मौलाना मौलवी हैं, जो ठेकेदार अपने आप को समझते हैं इस धर्म के, वो सीधा आके खड़े कर देते हैं कि सरकार हमारे धर्म में हस्तक्षेप ना करे। ये सवाल हमेशा उठता है, वो कहते हैं सरकार का काम अपना काम अपना काम करे, हमारे धर्म में हस्तक्षेप ना करे, ये हमारा मसला है, हमारा आपसी मसला है। देखिए बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ, ठीक है। पहले तो वो यही से पहले डिसाइड कर लें कि धर्म है क्या उनके लिए, धर्म क्या है, जो कुरान में है वो धर्म है मुसलमानों के लिए, जो ऑथेंटिक हदीस है वो धर्म है मुसलमानों के लिए। मैं एक ट्रिपल तलाक का एग्जांपल दे देती हूँ आपको, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत का कुरान शरीफ में ना तो सूरह तलाक में कहीं जिक्र है, ना सूरह निसा में कहीं जिक्र है, ना सूरह बकर में कहीं जिक्र है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कानून बनता है तो बोलते हैं धर्म में दखल हो गया, ठीक है ना। ओवैसी साहब का एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ट्रिपल तलाक पे जब कानून बन रहा था तो बोल रहे थे आर्टिकल 14 अप्लाई होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, संविधान के वो एकदम दुहाई देने लगते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों कानून बन रहा है। तो जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मान जाइए, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म सब खत्म हो जाएगा, वहाँ नहीं मानते हैं तो आप दोगलापन देखिए। तो ये लोग अपनी सहूलत के हिसाब से कुरान और संविधान को इस्तेमाल करते हैं। मैं कहती हूँ कि उनसे ज़्यादा धार्मिक तो मोदी जी हैं कि जो कम से कम अपना धर्म तो वो मान ही रहे हैं, आपके धर्म में भी सुधार ला रहे हैं। आप लोग खुद अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं इन सो कॉल्ड ठेकेदारों की वजह से, इन सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीतिज्ञों की वजह से। मैं एज अ मुस्लिम शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि मेरा धर्म जो एक सूफिज्म सिखाता है, मेरा धर्म जो एकेश्वरवाद सिखाता है, मेरा धर्म जो सर्वधर्म संभाव सिखाता है, उस धर्म को ये लोग कितना बदनाम कर देते हैं समाज के अंदर कि लोगों को मुसलमानों में सिर्फ एक टेररिस्ट दिखाई देता है, लोगों को मुसलमानों में सिर्फ एक कट्टरवाद मौलवी दिखाई देता है, लोगों को मुसलमानों में एक देशद्रोही दिखाई देता है, लोगों को मुसलमानों में वो दिखाई देता है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलती हूँ कि पढ़े लिखे मुसलमानों को आगे आना चाहिए, आ भी रहे हैं, और प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करके थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स चारों तरफ देखिए। ये जो टिपिकल राजनीति करते हैं ओवैसी साहब एंड आज़म खान एंड सो कॉल्ड धर्म गुरुज, ये लोग माइनॉरिटीज़ के नाम पे दुनिया से जगह जगह से ज़कात के नाम पे पैसा लेके आते हैं और सारी अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, उनके अपने बड़े बड़े महल हैं और आप सड़कों पे हैं। आप लोगों के लिए जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान आप लोगों के लिए काम कर रहा है, आप उसको शक की नज़र से देख रहे हैं। आप लोग, मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, कश्मीर में जो मुसलमान यूथ पत्थरबाजी करता है, मैं उन मुसलमान यूथ को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग, हमें इस्लाम में क्या सिखाया जाता, आखिरत सिखाई जाती है कि मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा,
अपने बुरे कर्मों का अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा। जब 1947 में जब जंग हुई थी तो पाकिस्तानियों ने कबाइली अटैक किया था, तो उन्होंने मुसलमानी पाकिस्तानी आर्मी ने चुन चुन के मुसलमानों को मारा था। उन्होंने आपको मुसलमान समझ के छोड़ नहीं दिया था, उन्होंने आपको हिंदुस्तानी समझ के मारा था। और उसी इंडियन आर्मी में जिस आर्मी ने जिस पे आप पत्थरबाजी करते हैं, उसी इंडियन आर्मी ने अपनी जान पे खेल के आपको बचाया था। तो आप आखिरत की बात करते हैं, जब आप कब्रों में दफनाए जाएंगे ना, जब आप मरेंगे तो आपके वो बुजुर्ग कब्रों से निकल के आपसे सवाल पूछेंगे कि इसी आर्मी ने हमें बचाया था और तुमने इनके ऊपर पत्थर उठाए हैं। तब आपका ईमान कहाँ जाएगा? तब आप खुदा को क्या जवाब देंगे? आप वो सवाल करिए अपने आप से। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। भारत माता की जय।